दोस्तों आप सभी कलर्स चैनल का मोस्ट पॉपुलर शो नीमट एग्जोम्पा तो जरूर देखते होंगे। साथ ही आपको बता दें इस टीवी सीरियल में नारी का गुस्से भरा किरदार सुकन्या बरुआ निभाती हुई नजर आ रही है। ये अपने किरदार को बेहद ही ज्यादा बारीकी से निभा रही है और आप सभी को एंटरटेन करने की फुल कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं नारी का लीड किरदार सुकन्या बरुआ को मिलने से पहले टीवी की कई मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्रियों को ये किरदार ऑफर किया गया था। उनके मना करने के बाद ही सुकन्या बरुआ को नारी का सुपरहिट किरदार मिला। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर कौन है वह अभिनेत्रियां जिन्होंने इस सुपरहिट किरदार को करने से मना कर दिया तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही सुपरहिट शो नीमट एग्जोम्पा में नारी की शानदार एक्टिंग के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दे। नंबर 5 पर आती है एकता तिवारी। जी हाँ दोस्तों, एकता तिवारी बीटीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। इन्हें आपने कई सुपरहिट टीवी सीरियल में देखा होगा जैसे कि अर्जुन परम, अवतार श्री कृष्णा, तेरे मेरे सपने और भी कई टीवी सीरियल एंड फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। साथ ही आपको बता दें एकता तिवारी को भी नीमट एग्जोम्पा टीवी सीरियल में नारी का लीड किरदार ऑफर किया गया था। लेकिन एकता तिवारी को इस टीवी सीरियल की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई जिसके कारण इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया। नंबर 4 पर आती है स्नेहल राय। इनका जन्म 8 जनवरी 1990 को नागपुर में हुआ था। साथ ही आपको बता दें स्नेहल राय हिंदी टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है। इन्होंने कई टीवी सीरियल में अभिनय किया है। आप सभी ने इन्हें इश्क का रंग सफेद टीवी सीरियल में देखा होगा। साथ ही आपको बता दें स्नेहल राय को भी नीमट एग्जोम्पा टीवी सीरियल में नारी का लीड किरदार ऑफर किया गया था और स्नेहल राय इस किरदार को करना भी चाहती थी। लेकिन जब इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो ये इस किरदार में फिट नहीं बैठ पाई जिसके कारण इन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। नंबर 3 पर आती है शिवशक्ति सचदेव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने जानते हैं बखूबी पहचानते हैं ये हिंदी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। इन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल में अभिनय किया है जैसे कि बालिका, वधु, भाभी, अफसर बेटिया, सबकी लाडली बेबो, पिया रंगरेज और भी 20 से ज्यादा टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी है। इतनी फेमस एक्ट्रेस होने के कारण इन्हें भी नीमट एग्जोम्पा टीवी सीरियल में नारी का किरदार ऑफर किया गया था और शिवशक्ति इस किरदार को करने के लिए हाँ भी कह दिया था। लेकिन इन्होंने अपने इस किरदार को करने के लिए कुछ ज्यादा ही हाई फीस की डिमांड कर दी और शो के मेकर्स इन्हें इतनी फीस पे नहीं कर पाए जिसके कारण इन्हें रिजेक्ट होना पड़ा। नंबर 2 पर आती है रश्मि पित्रे। जी हाँ दोस्तों, रश्मि पित्रे भी टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री हैं। इन्होंने टीवी के कई मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल में अभिनय किया है जैसे कि दिया और पाती, हम, परदेश में मिला, कोई अपना, साथ निभाना साथिया और भी 10 से ज्यादा टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी है। जिसके बाद रश्मि को भी नीमट एग्जोम्पा टीवी सीरियल में नारी का लीड किरदार ऑफर किया गया था। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होने के कारण रश्मि पित्रे को भी इस सुपरहिट किरदार से हाथ धोना पड़ा। नंबर 1 पर आती है रिमशेक। रिमशेक आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने तुझसे है राब्ता टीवी सीरियल में अभिनय करने के बाद दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक अहम जगह बना ली है। साथ ही आपको बता दें रिमशेक भी कई टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी है जैसे कि नोट, विदाउट माय फैमिली, तू, आशिकी, बेस्ट ऑफ लक, निक्की, न बोले तुम ना मैंने कुछ कहा और भी 20 से ज्यादा टीवी सीरियल का हिस्सा रह चुकी है। जिसके बाद रिमशेक को भी नारी का लीड किरदार ऑफर किया गया था लेकिन अपने अदर प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण इन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया। इसके अलावा नारी का लीड किरदार और भी कई अभिनेत्रियों को ऑफर किया गया था लेकिन किसी न किसी कारणवश नारी का ये किरदार रिजेक्ट होता गया क्योंकि किस्मत में तो ये किरदार सुकन्या बरुआ के था। जब सुकन्या बरुआ को नारी का लीड किरदार ऑफर किया गया तो सुकन्या बरुआ ने इस किरदार को साइन कर लिया और जब इनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो ये इस किरदार में फिट भी बैठ चुकी थी जिसके बाद अब आप सुकन्या बरुआ को नारी का लीड किरदार निभाते हुए देख रहे होंगे। ये नीमा की सबसे छोटी बेटी का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। साथ ही इन्हें इस किरदार में दर्शक देखना बेहद ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको सुकन्या बरुआ नारी के किरदार में कैसी लगती है। साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि क्या ये अभिनेत्री इस किरदार को सुकन्या बरुआ से अच्छे से कर पाती या फिर नहीं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।